हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप कभी कभार मीठा खाना चाह रहे हैं, वो भी वेट लॉस करने के दौरान, तो आप किन बातों का ध्यान रखकर अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं और जिंदगी के मजे भी ले सकते हैं। अंत में मैं दूंगा आपको 3 बोनस टिप्स, तो बने रहिए हमारे साथ। वी विल बी बैक। सब्सक्राइब कीजिए वेट लॉस टीवी और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेट लॉस टीवी में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, तभी आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहेगी। फ्रेंड्स, जो लोग ऑलरेडी वेट लॉस कर रहे होते हैं, वो अक्सर एक बात बहुत ही गिल्ट के साथ शेयर करते हैं मुझसे कि यार, कल तो मुझे 2 पीस मिठाई खानी पड़ गई। और वो गिल्ट इसलिए फील करते हैं कि वो सीरियसली वेट लूज करने के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी मन नहीं मानता। लेकिन सटीक जानकारी न होने की वजह से वो गलत समय पर या गलत तरह से मीठा खाते हैं, जिसकी वजह से सचमुच उनका वेट लॉस होना मुश्किल पड़ने लगता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आम तौर पर लोग मीठा कैसे कंज्यूम करते हैं और उससे आपको कैसे और फर्दर फैट गेन हो सकता है। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 चीज़ें दिखाई गई है। पहला है आपके ब्लड शुगर लेवल, दूसरा है आपका लीवर ग्लाइकोजन स्टोर, फिर है मसल ग्लाइकोजन स्टोर और फिर है आपका फैट स्टोरेज। और यहाँ पर दिखाया गया है ब्लड ग्लूकोज का कैरियर इंसुलिन, यानी जब करीब 110 के लेवल पर शुगर पहुँच जाता है तब इंसुलिन ही आपके ब्लड शुगर को लेकर ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपके सिनेरियो में जब आपने हैवी डिनर के बाद 2 पीस स्वीट्स खाए हैं तो क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि ये ब्लड शुगर एक नॉर्मल व्यक्ति में 70 से 110 के रेंज पर अप एंड डाउन होता रहता है। जब ये 110 के आसपास का लेवल टच करता है तब शरीर का मैकेनिज्म ये होता है कि वो एक्सेस शुगर को ब्लड में से निकाले और उसे फ्यूचर यूज़ के लिए लीवर ग्लाइकोजन स्टोर में स्टोर कर दे। और अगर आपने पीछे काफ़ी समय तक भोजन न लिया हो तो आपका लीवर ग्लाइकोजन स्टोर थोड़ा खाली हो सकता है। लेकिन चूंकि आप नॉर्मली जो डिनर लेते हैं जिसपे आपका लीवर ग्लाइकोजन स्टोर फुल हो ही जाता है वो आप ले रहे हैं, तो आपके नॉर्मल खाने से ही लीवर ग्लाइकोजन स्टोर ऑलमोस्ट फुल हो ही चुका है। अब बारी आती है मसल ग्लाइकोजन स्टोर की। अगर आपने इवनिंग को जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है तब तो आपके मसल ग्लाइकोजन स्टोर में कुछ जगह बची हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने में आप मसल ग्लाइकोजन स्टोर को डिप्लीट करते हैं। तो ये आपका एक्सेस शुगर हो सकता है यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया जाए फ्यूचर यूज़ के लिए। लेकिन अगर आप शाम को भी जिम नहीं गए थे और आपका मसल ग्लाइकोजन स्टोर ऑलरेडी फुल है, तब फिर इंसुलिन के पास कोई चारा नहीं होता बजाय इसके कि वो सारा एक्सेस शुगर यानी ग्लूकोज को फैट स्टोरेज में स्टोर कर दें। तो उसने सबसे पहले ट्राई किया लीवर ग्लाइकोजन स्टोर, फिर मसल ग्लाइकोजन स्टोर और बाद में तीसरा फैट स्टोरेज। और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि लीवर और मसल ग्लाइकोजन स्टोर आप देख सकते हैं कि ये क्लोज्ड है, यानी ये लिमिटेड स्टोरेज है, और आपका फैट स्टोरेज जो है बिल्कुल ओपन है, वो अनलिमिटेड है। हालांकि सभी सिंपल कार्ब्स को शरीर शुगर के जैसा ही ट्रीट करता है, लेकिन अन्य सिंपल कार्ब और शुगर में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि शुगर में प्योर कैलोरीज होती है और कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, यानी शुगर में ना ही कोई प्रोटीन, ना विटामिन, ना मिनरल, ना फाइबर। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो वेट लॉस करना चाह रहा है वो शुगर का इंटेक कम से कम करें। और इसी डायग्राम के माध्यम से आप यह भी समझ सकते हैं कि जब 2 खाने के बीच में आपका शुगर लेवल डाउन होता है और करीब 70 के लेवल तक पहुंचता है, तब लीवर में उपलब्ध ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर वापस ब्लड में छोड़ा जाता है, ताकि आपका ब्लड शुगर का रेंज नॉर्मल रेंज के बीच में रहे। पहला बेस्ट उपयुक्त समय है 2 मील के बीच का समय, जब आप अगर चाहें तो कभी कभार मीठा खा लें। तो उसमें होगा क्या कि आपका बीच का वक्त होने की वजह से आपका लीवर ग्लाइकोजन स्टोर ऑलरेडी उसमें जगह होगी, तो वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। ये आपका करंट अकाउंट है, यानी ये आपकी जेब है, और ये है आपका FD यानी फैट डिपॉजिट। इसके थ्रू जब भी आप प्ले करेंगे लेना देना, वो बिल्कुल आसान होगा और वो आपके फैट स्टोरेज को अफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा बेस्ट समय हो सकता है आप जब सोकर सुबह उठें और उसके बाद सबसे पहले आप चाहें तो लिमिटेड मात्रा में स्वीट ले लें। उस केस में भी आपके लीवर ग्लाइकोजन स्टोर में जरूर अधिक से अधिक जगह मौजूद होगी। और तीसरा बेस्ट टाइम हो सकता है कि जब आप जिम में जाकर अपना मसल ग्लाइकोजन डिप्लीट कर चुके होंगे, उसके पश्चात आप जिम से आने के बाद वे प्रोटीन ड्रिंक लेने के बाद
आप एक आध पीस स्वीट कंज्यूम कर सकते हैं जो कि अधिक से अधिक मसल ग्लाइकोजन स्टोर को भरेगा, और जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत जगह लिवर ग्लाइकोजन स्टोर में भी होगी। लेकिन जब भी आप बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में स्वीट कंज्यूम करेंगे, वो भी स्पेशली हैवी डिनर करने के बाद या हैवी मील लेने के बाद, तो होगा ये कि ये 110 टच किया और उसके बाद आपका लिवर ग्लाइकोजन स्टोर फुल हुआ, मसल ग्लाइकोजन स्टोर फुल हुआ, और फिर बाद में आपका फैट डिपॉजिट होने लगेगा। और फैट डिपॉजिट के साथ सबसे बड़ी तकलीफ की बात आपके लिए यह है कि फैट स्टोरेज करना तो आसान है, लेकिन फैट को वापस बर्न करना काफ़ी टफ पड़ता है। क्योंकि आप इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर आपको फैट स्टोरेज को एज ए एनर्जी टैप करना होगा, तो आपको पहले इसी को रिवर्स ऑर्डर में करना होगा। यानी सबसे पहले तो आपका ब्लड शुगर का लेवल नीचे की ओर आए, वो 70 के आसपास टच करे, तब आपका शरीर लिवर ग्लाइकोजन स्टोर से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में भेजेगा। और आपकी जब मस्क्यूलर एक्टिविटी होती है तो स्पेसिफिक मसल के ग्लाइकोजन स्टोर ही डिप्लीट होते हैं। यानी आप लेग्स की एक्सरसाइज करोगे तो केवल लेग के ग्लाइकोजन स्टोर ही डिप्लीट होंगे। तो इस तरह लिवर ग्लाइकोजन स्टोर पूरी तरह डिप्लीट होने के बाद ही बड़े मुश्किल से शरीर आपके फैट स्टोरेज को टैप करता है। लेकिन अगर आप कैलोरी डेफिसिट डाइट पे नहीं होंगे तो फैट स्टोरेज तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आपने अभी तक मेरा अगर कैलोरी डेफिसिट वाला वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ उसे देख लें, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट को फॉलो किए बिना दुनिया की कोई ताकत नेचुरली आपका फैट लॉस नहीं कर सकती। सिंपल। तो फ्रेंड्स, अब तक आप समझ ही चुके हैं कि भरपेट खाना खाने के बाद हमें मीठा खाने से बचना चाहिए, और मीठा खाने के लिए उपयुक्त समय होता है पहला 2 मील्स के बीच का समय, दूसरा सुबह उठते साथ भूखे पेट भी मीठा खाने से आप फर्दर फैट गेन होने से अपने आप को बचा सकते हैं, और तीसरा जिम में वर्कआउट करने के बाद वे प्रोटीन ड्रिंक लेने के बाद आप मीठा कंज्यूम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अमूमन मीठा न खाना ही बेहतर होता है। आप जितना कम से कम मीठा खाएं उतना आप आसानी से फैट लॉस कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर सीमित मात्रा में आप कभी कभार मीठा खाना चाह रहे हैं तो ये मेरे बताए हुए 3 समय आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेंगे। तो अब बारी है फ्रेंड्स 3 बोनस टिप्स की। टिप नंबर 1, जब भी आप मीठा खाएं तो उसके पिछले मील या उसके अगले मील में से लगभग समान कैलोरीज के सिंपल कार्ब्स को कम कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक रोटी या आधा कटोरी चावल कम कर सकते हैं। दूसरी टिप, आप मीठे का चुनाव भी ठीक प्रकार से कर सकते हैं। जैसे जलेबी या इमरती जैसी चाशनी में डूबी मिठाई के स्थान पर आप मूंग दाल का हलवा या गाजर का हलवा ले सकते हैं। इसमें जलेबी के मैदे के कंपैरिजन में आपको मूंग दाल में मिलेगा प्रोटीन। चाशनी में डूबी होने की वजह से जलेबी में अत्यधिक शुगर होता है, जबकि मूंग दाल के हलवे में आपको मिलेंगे ड्राई फ्रूट्स जिसमें होता है गुड फैट और प्रोटीन भी। यह केवल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। इसी तरह इंग्रेडिएंट को ध्यान में रखकर आप सही स्वीट का चुनाव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको गाजर का हलवा बताया था, उसमें भी आपको एडेड फाइबर्स भी मिलते हैं और विटामिन ए भी। इसी प्रकार मार्केट से खरीदी मिठाइयों के स्थान पर आप होममेड मिठाइयों का इस्तेमाल करके भी काफ़ी फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑयल की क्वालिटी अपने आप बेहतर हो जाती है और इसमें आप शक्कर की मात्रा भी अपने हिसाब से थोड़ा मॉडरेट रख सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि शुगर फ्री मिठाइयों से बचें। उसमें शक्कर के स्थान पर जिन अल्टरनेटिव्स का प्रयोग होता है वो लॉन्ग टर्म में आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तीसरी टिप, आप अगर चॉकलेट्स खाना पसंद करते हैं तो आप आम चॉकलेट्स के स्थान पर खाइए डार्क चॉकलेट, वो भी एटलीस्ट 55% और मोर कोको के साथ। अभी हाल ही में एक फेमस इंडियन कंपनी ने अपने डार्क चॉकलेट की बहुत बेहतरीन रेंज इंट्रोड्यूस की है, अफोर्डेबल होने के साथ जिसकी क्वालिटी भी बेहतरीन है। आम चॉकलेट में मैक्सिमम पोर्शन शुगर का होता है, आप इंग्रेडिएंट लिस्ट तो चेक कीजिए, और इस डार्क चॉकलेट में आपको मिलेगा 55% से अधिक कोको, जो आपको एनर्जाइज्ड अटेंटिव भी रखेगा और थोड़ा बहुत आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाएगा, जो कि फैट लॉस में भी हेल्प करेगा, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। लेकिन इनका प्रयोग भी आपको सीमित मात्रा में करना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो देखने के बाद आप जब भी कभी कभार मीठा खाना चाहें सीमित मात्रा में, तो अब आप सही समय का चुनाव कर पाएंगे और मीठा खाने के साथ साथ आप अपने फैट लॉस को भी आसानी से जारी रख पाएंगे। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।